हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। एक नई एनर्जी के साथ शुरू करेंगे अपनी नई वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और तो और मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग और शॉकिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। आज का जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट रिव्यू है जिसमें मैंने ऑफलाइन से प्रोडक्ट खरीदा है, ऑनलाइन से नहीं। ये पहली वीडियो है जिसमें मैं ऑफलाइन के प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगा, क्योंकि मैं कहने वाला हूं इसकी एक नई वीडियो भी आएगी जिसमें मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग का कंपैरिजन करूंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग बेहतर होती है कि ऑफलाइन शॉपिंग बेहतर होती है। तब तक के लिए मैंने आज का जो प्रोडक्ट मंगाया ना, तो अमेजोन से मंगाया, ना फ्लिपकार्ट से मंगाया, ना कहीं से मीशो से मंगाया, ना किसी से मंगाया है। आज का प्रोडक्ट मैंने लिया एक लोकल सुपर मार्केट से, यानी कि लोकल शॉप से, और तो और उसको मैंने अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर मीशो या फिर कोई भी ऐप हो उसके आधे दाम पे खरीदा है। मतलब कि वही क्वालिटी, वही कंपनी, वही प्रोडक्ट, बट उसके प्राइस बिल्कुल आधा, उसका आधे से भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि लोकल मार्केट से, क्योंकि मेन तो यही होता है ना कि जो ऑनलाइन प्रोडक्ट होते हैं वो ऑफलाइन से लिया जाता है, उनके मिडल मैन, उनके डिलीवरी चार्जेस, उनके पैकिंग चार्जेस, उन सबको मिला के वो बहुत एक्सपेंसिव बन जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन उससे अच्छी मैं ऑफलाइन शॉपिंग का रिव्यू दिखाता हूँ आपको, जो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और तो और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा तो सिर्फ, मैं आपको लिंक दे दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट करो या परेशान करो, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, डिस्क्लेमर, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बना रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लोकल मार्केट से लिया हुआ प्रोडक्ट उतना ही क्वालिफाइड होता है, उतना ही अच्छा होता है जितना ऑनलाइन होता है। आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ वो है हमारा बोया का माइक, बोया का बेस्ट माइक, दैट इज नोन एज लवलियर माइक्रोफोन माइक्रो चैवेट। ये मैंने माइक लिया है, अमेजोन पे अवेलेबल है 800 रुपीज में, लेकिन ये एक ओली प्रोडक्ट मैंने लिया है 350 रुपए में विद द लोकल मार्केट, फ्रॉम द लोकल मार्केट मैंने इसे खरीदा है 350 रुपए में। जबकि ये BYM1 जो कि आप यहाँ देख सकते हैं BYM1 है, सेम प्रोडक्ट मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, मैं आपको इसका इंट्रो भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दीदी बैठे हुए हैं, और कंपैटिबल विद, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैटिबल का है, कंपैटिबल विद फोन, पैड, कंप्यूटर, टैबलेट, कैमरा, और क्योंकि अजीब सी फोटो बनी हुई है, ठीक है, इस पे है। यहाँ पे आपको दिख सकता है बोया का दिख जाता है आपको यहाँ पे, ये बोया प्रो ऑडियो सीरीज, फिर आ जाता है यहाँ पे BYM1, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे फीचर्स फॉर स्मार्टफोन, कैम रिकॉर्डर, कैम कोडर, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर एंड सो ऑन। यहाँ पे एक भैया खड़े हुए हैं, ठीक है, इस साइड भी हमें वही सब दिख जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अपनी इस क्वालिटी फीचर्स पे जो हमें दिखाते हैं यहाँ पे हमें दिख जाता है कंपैटिबल विद स्मार्टफोन, DSLR कैमरास, ठीक है, विद DSLR कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC एटसेट्रा, और ये ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन है जो कि हाई क्वालिटी कंडेंसर के साथ आता है, इज आइडियल फॉर वीडियो यूज, लो हैंडलिंग नॉइज, और तो और इंक्लूडिंग लेपल क्लिप्स, यानी कि जो माइक्रोफोन के क्लिप्स आती है जो कि यहाँ पे टी शर्ट पर अटैच करने में हेल्प करती है, हुक करने में हेल्प करती है, ये वो क्लिप्स होती हैं जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने इसे अलग से भी ले लिया था क्योंकि इसके जो थे साइज में फिट बैठ रहा था। और LR44 बैटरी विद फोम विंडस्क्रीन, 1x4 डिग्री अडाप्टर के साथ आ जाता है, 1x4 डबल डैश यानी कि मिनट अडाप्टर के साथ आ जाते हैं, और तो और इसका जो ट्रांसड्यूसर है वो इलेक्ट्रिक कंडेंसर के साथ आ जाता है। पोलर पैटर्न जो है इसका ओमनी डायरेक्शनल है, यानी कि ओमनी डायरेक्शन मतलब चारों दिशाओं से आवाज़ खींचता है। फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी आ जाती है 65 Hz टू 18 kHz, सिग्नल 1 नॉइस आ जाता है इसका 74 decibels SPL, और तो और इसके यहाँ पे सेंसिटिविटी और आउटपुट इम्पिटेंस ये बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, कनेक्टर्स के आते हैं। ये तो बैटरी टाइप इसके LR44 है, इसका डायमेंशन माइक्रोफोन 18mm mAh इंटू 8.30 एनीवेज, केबल है इसकी 6 मीटर की, 6 मीटर की केबल दिख जाती है आपको इसके अंदर। और तो और इसका जो वेट है माइक्रोफोन का वो है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम का है, 2.5 ग्राम्स का है। और तो और इसका जो पावर मोड है वो 18 ग्राम का आ जाता है, जो कि आपके लिए बहुत स्पेसिफिक होने वाला है। अब हम इसकी फटाफट से ओपनिंग करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ इसकी ओपनिंग बहुत शानदार होती है दोस्तों, और तो और मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ ही मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड किया करूंगा, ये मुझे बिल्कुल आधे दाम पे मिला है, और क्या सेटिस्फाइंग फील है गाइस, क्या सेटिस्फाइंग फील है।
मेरा माइक आ गया। अरे वाह, लॉकर शॉप से लेके आया हूँ, अमेजोन से ही आया। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, मैंने देखा कि अमेजोन पे जो प्रोडक्ट मुझे 800 का मिल रहा है वही प्रोडक्ट मुझे लोकल मार्केट में 350 का मिल रहा है, वही क्वालिटी वही प्रोडक्ट, तो फिर मैं वो लोकल मार्केट से लूंगा ना। बात तो सही है, अमेजोन के साथ अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप वहां से भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखो गाइस, हमारे पास इसके बाद आ जाती है एक मैनुअल, ये एक मैनुअल आ जाती है। अगर आप इस मैनुअल को पढ़ना चाहते हो, मैनुअल को पढ़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। इसके बाद मैं इसको कनेक्ट करने के लिए पढ़ लूंगा, इसके यूजेस जानने के लिए पढ़ लूंगा। तब तक के लिए अभी हम इसे रखते हैं इसके बॉक्स के अंदर और इसको मैं खोलता हूँ। ये हमारे बोया की पैकिंग जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में जाती है, हमारे पास एक प्रॉपर बोया की सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। बोया यानी कि एक प्रॉपर कंपनी है जो कि माइक्रोफोन्स और डिवाइसेस बनाती है। और तो और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्लिप्स हैं, बहुत सारे वायर है, बहुत सारे बहुत बड़ी वायर दिख जाती है हमें। ये देखो पूरा वायर का गुच्छा है गाइस, पूरा वायर का गुच्छा बना हुआ है इसके अंदर। ये देखो इसके अंदर पूरा वायर, कितनी बड़ी वायर है, 6 मीटर की वायर है गाइस। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हमारा माइक, हमारी माइक हमारे लिए अब रिकॉर्ड करने वाला है। अभी रुको, अभी मैं उससे नहीं करूंगा, अभी मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे क्लिप्स भी है, ये देखो बहुत सारे क्लिप्स हैं इसके अंदर। ये देखो, ये देखो इसके अंदर बहुत अलग अलग क्लिप्स मिल जाते हैं, एक इस तरह की वायर भी मिल जाती है। अगर हमें इसे किसी बड़े पीसी में या फिर किसी डीएसएलआर कैमरा में करना है उसके अंदर भी ये वायर आ जाती है। और अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर देखो कितने सारे क्लिप्स हैं, इसके अंदर देखो कितने सारे क्लिप्स हैं, इतने सारे क्लिप्स जिसमें मैं इसे अटैच भी कर सकता हूँ। ये देखो इसके अंदर अटैच आ जाता है, क्लिप आ जाता है। अच्छा मैं आपको बता दूं, यही सेम टू सेम जो माइक है ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, लेकिन 800 रुपये में मिलेगा। और बाकी जो मेरा ये प्रोडक्ट है लोकल शॉप से, वही क्वालिटी और उसी पैकेजिंग के साथ मिला। आप देख सकते हो वही बैग, वही क्लिप्स, वही ये एक सेकंड, वही क्लिप्स और वही अटैचेबल DSLR के साथ जिसे हम अटैच कर सकते हैं इसको कैमरा को। और तो और वही माइक्रोफोन, वही माइक और वही हमारे ये कंपैटिबल जो कि हमें ये करने में हेल्प करता है कि हम इसे अगर कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहे तो कैमरा में कर सकते हैं और स्मार्टफोन में करना चाहे तो स्मार्टफोन में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें एडजस्टेबल मिल जाता है, इसे हम कर सकते हैं कैमरा में भी एडजस्ट कर सकते हैं और तो और हम इसे स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कैमरा और स्मार्टफोन दोनों के साथ कंपैटिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं इजीली, फिकर मत कीजिएगा। और तो और इसे हम लगा भी सकते हैं, इसलिए साथ में क्लिप मिल जाता है इसके पीछे, ये साथ में क्लिप मिल जाता है इसके पीछे जो कि आपको ईजिली इसे अटैच करने में मदद करता है। ठीक है, मैं आपको सिंपल से सिंपल रिव्यू दिखाऊंगा इसे करके, और तो और इसका इंट्रो भी दिखाऊंगा अभी आपको, आप इसका इंट्रो एंजॉय कीजिएगा। उसके बाद मेरे पास ये क्लिप भी आ जाती है, ये क्लिप 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 ये रहा। ठीक है, ये मेरे पास क्लिप आ जाती है जिसे मैं अटैच कर सकता हूँ। ये देखो मैं इसे अटैच कर लूँगा और उसके बाद बस इसे थोड़ा सा पंगा पाना पड़ेगा, लेकिन ये अटैच हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, अटैच करने के बाद मैं इसे यूज करने के लिए रेडी टू गो हूँ। ठीक है, मैं इसे अटैच कर लूंगा, इतना आप इसका इंट्रो एंजॉय कीजिए। तो आपने देख लिया कि मैंने आपको इस वीडियो में रिकॉर्डिंग का बता दिया है, जिसमें मैंने आपको बोया का यानी कि इसी बोया का बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है। आप इसका इंट्रो एंजॉय कर चुके होंगे, तब तक के लिए आपको इसके फीचर जानने हैं तो आपको इसे खुद यूज करके देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ ओमन डायरेक्शनल माइक मिल जाता है जो कि आपको पूरे के पूरे डायरेक्शन से जानने में मदद करता है। इसी बोया के माइक से मैं अपनी रिकॉर्डिंग किया करूंगा। 6 मीटर की वायर है गाइस, आप देख सकते हैं 6 मीटर की वायर है और अभी भी इसके अंदर कितनी सारी वायर बची हुई है आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में नई एनर्जी उत्साह के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।